अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ एसन जी आज आपके लिए चने के दाल के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है। अक्सर लोगों के घरों में 14 शाबान को हलवा बनता है, तो मैं आपके लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आगे और दूसरे तरह के हलवों की भी रेसिपी लाऊँगी। तो चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, ये चने की दाल के हलवे के इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत सिंपल, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये चने की दाल है आधा किलो, जिसे मैंने उबाल लिया है। इसका तरीका बहुत सिंपल है कि आप इसको थोड़े से पहले पानी में उबालें, और जब एक झाग आ जाए और उसमें आप झाग को फेंक दें, और फिर उसमें आधा किलो, ये आधा किलो दाल है, आप इसमें आधा किलो ही जो है दूध, लिक्विड दूध जो होता है, वो आप उसमें शामिल करके और उसके साथ उबाल लें। और आपको मैं ये दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये इसमें नज़र आ रहा है कि थोड़ा दूध मौजूद भी है। तो क्योंकि हम इसे ग्राइंडर में पीसेंगे, तो ये थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट टाइप बनेगा। इसके अलावा ये चीनी है, ये भी आधा किलो है। खुश्क दूध है ये आधा किलो है। हमने इसमें बहुत ज़्यादा दूध इस्तेमाल नहीं किया, हम अलग से खुश्क दूध इस्तेमाल करेंगे। घी हम यूज़ करेंगे, 1.5 कप इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पिस्ते बादाम हैं, ये पिस्ते बादाम हैं, इन्हें अभी हम थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के और इसके छिलके उतार के और इसको फिर हम इसकी हवाइयाँ जिसे कहते हैं, या इसको आजकल के बच्चों को तो हवाइयों का लफ्ज़ नहीं पता, इसलिए मैं स्लाइसेस जो कटते हैं बारीक बारीक वो काट लेंगे। किशमिश है, ये सब आपके अपने ऊपर है कि आप इसे कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 1/2 कप के हिसाब से ये है, और ये 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ये है, पिस्ते बादाम है। इसके अलावा इलायची है, ये 1/2 टीस्पून पिसी हुई इलायची है, ये देखिए, और इसे मैं 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। ये लीजिए नाज़रीन, अब हम शुरू कर रहे हैं हलवे की। मैंने ये दाल को ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह, और अब हमने पैन में 1.5 कप जो है वो घी गरम किया है। घी जब गरम हो गया, बहुत ज़्यादा भी गरम ना करें कि डालते ही जलने लगे, हल्का सा गरम हो गया। घी में ऐसा कोई इशू नहीं होता कि अगर आप कच्चे में अगर डाल दिया तो वो आपका जो है उसमें स्मेल आ जाएगी। अब मैं इसको पहले थोड़ा गाढ़ा करूँगी और फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। और आँच हल्की रखेंगे, आँच बहुत तेज़ नहीं रखनी वरना ये जलने लगेगा, इसलिए को हल्की आंच पे हम इसको पहले ट्राई करेंगे। गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको इसकी भुनाई करेंगे। तो अभी हम इसको, जी नाज़रीन, तकरीबन 1 घंटे हमने इसको स्लो आंच पे रखा, और वक्फे से इसमें हमने चम्मच चलाया है। और अब आप देख सकते हैं कि देखें, ये इसमें इस तरह ये ब्राउन होना शुरू हुआ है। अब उस पर मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। मैंने आपको बताया था 1/2 टीस्पून में इलायची पाउडर डलेगा, और 1/2 टीस्पून ये देखिए इस तरह ये भर के हमने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाला। इलायची पाउडर से इसकी दाल की जो स्मेल है वो भी ख़त्म होगी, और इसमें बहुत अच्छा जो है अरोमा आएगा। आप देखें, जो घी इतना ज़्यादा नज़र आ रहा था वो सारा घी गायब हो गया। वैसे अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी का हेल्थ इशू है तो आप उसको घी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन मीठा हमेशा घी में बनाइए। और इसको जो है घी के लिए लोग अक्सर बोलते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ है तो फिर इसे प्योर घी में बना लीजिए, खुदा ना खास्ता, क्योंकि घी जो है वो बहुत
प्योर घी जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। देखिए मैंने चीनी जो आधा किलो थी वो भी इसमें शामिल कर दी। अभी चीनी अपना पानी छोड़ेगी, आप इसीलिए पहले चीनी डाल दें ताकि चीनी अपना पानी छोड़ दें। और अब थोड़ी सी आंच भी तेज़ कर दें, यानी पहले हमने लो टू मीडियम आंच पे जो है उसको तकरीबन, बल्कि थोड़ा स्लो के साइड पे ही ज़्यादा थी है, तो हमने 1 घंटे इसको पकाया था। और अब जो है अब इसे तकरीबन आप मीडियम टू लो की में मीडियम की साइड पे रखें नोक को। तो जी नाजिन ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होने लगा है और ये आप देख भी सकते हैं कि सिकना भी शुरू हो गया है। अभी तक हम वक्र से चम्मच चला रहे थे लेकिन अब हम मुस्तकिल चम्मच चलाएंगे इसमें। अब मैं इसकी आँच लो कर रही हूँ। हमने खुश दूध लिया था हाफ केजी, तो अब हम इसमें से पहले आधा इसमें डालेंगे। जितना आप खुश दूध डालेंगे ये बिल्कुल खोया बन जाएगा इसमें, इसीलिए ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा दूध में पकाया नहीं है। अब इसमें ये देखिए दूध डालने से इसका जो टेक्सचर है वो एकदम गाढ़ा भी होगा। ये देखिए चीनी डालते ही हमारा जो दाल का बैटर था ये काफ़ी पतला हो गया था क्योंकि चीनी ने अपना पानी छोड़ा था। अब इसे हमने दोबारा से गाढ़ा किया है और आप ये देखें कि ये अब थोड़ा चम्मच चलाने मुश्किल हो रहा है क्योंकि खुश दूध डालने के बाद ये और गाढ़ा हो गया। ये देखें इस तरह अभी आधा डाला है और जब ये थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी का आधा दूध डालेंगे। और अब इसे हल्की आंच पे हम मुस्तकिल भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आना शुरू हो जाए। ये देखिए नाजी हमने पहले कुछ दूध इसमें शामिल किया था वो सब मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसके बाकी का दूध भी शामिल करेंगे। इसमें हल्की आंच पे ही अब हमें भूनना है और उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चमचे को इस तरह मारें कि जो दूध है वो इसके अंदर शामिल होता चला जाए। मज़ेदार किस्म का हलवा आपका तैयार हो जाएगा। आधा किलो में भी आपका इतना हलवा होगा कि बहुत सारे लोग आराम से खा सकते हैं। में भी आप इसको जब इसमें आपने चीनी डाली घी डाला तो इसकी क्वांटिटी और दूध डाला तो इसकी क्वांटिटी बढ़ती ही चली गई। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, अब इसको की आंच हमने बिल्कुल नहीं बढ़ानी और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जी नाज़रीन ये देखिए हलवा काफ़ी हद तक भुन चुका है और कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और इसे मुस्तकिल इसी तरह चम्मच चलाना है। ये आप पे डिपेंड है आप कितना इसको भूनना चाहते हैं, कलर इसका कितना चेंज करना चाहते हैं। बाज़ लोगों को डार्क कलर पसंद होता है, बाज़ को लाइट। अब इस पे मैं इसमें किशमिश भी शामिल कर रही हूँ। ये देखिए धो के रखी थी मैंने किशमिश जाली पे, ताकि किशमिश इसमें शामिल कर लेंगे तो जब हम चम्मच चलाते जाएंगे तो वो जो है मैं इसको थोड़ा और डार्क करूँगी, मुझे ज़रा डार्क पसंद है तो मैं इसको थोड़ा और डार्क करके भूनूंगी। अगर आपको इस कलर का पसंद है तो आप इस वक्त भी इसको, इसमें से खुशबू आने लगी है, भुनाई अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन अगर आप जैसे मुझे पसंद है ज़रा डार्क कलर मैं इसको मज़ीद डार्क करूँगी। जी नाज़रीन ये देखिए जितना मैं इसका कलर चाह रही थी ना हो चुका है। इसमें जो निशानी होती है कि आपके इसमें से
दाल के हलवे में से खुशबू आने लगती है, अरोमा उठने लगता है हलवे की, और दाल का कच्चापन चला जाता है, इसमें किसी किस्म की जो स्मेल बाकी नहीं रहती। तो इस पॉइंट पे आपको जितना फिर उसके बाद भूनना होता है वो आप भून सकते हैं। ये मैंने भून लिया है। घी के बारे में मैं बता दूं कि अगर आपको चम्मच चलाने में मुश्किल हो दूध डालने के बाद, थोड़ा आपको थिक लगे, तो आप उस वक्त इसको जो है उसमें हाफ कप मजीद घी डाल सकते हैं। आप देखें मैंने कितना घी डाला था, लेकिन अब ये बिल्कुल ड्राई है। इसके अलावा ये ऑप्शनल है, बिरयानी एसेंस सॉरी केवड़ा एसेंस है ये, और ये ऑप्शनल है। मुझे अच्छा लगता है, मैं कोई भी हलवा या मीठे में डालना पसंद करती हूँ। बाज़ लोग नहीं पसंद करते तो ना डालें, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। इसे मैं अब मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिक्स करके और रखती हूँ, फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाजिन, ये एक थाल पे मैंने घी लगा लिया है और अब मैं इसमें ये हलवा शिफ्ट करूँगी। हमारे उसमें ये है कि हम इसको जम सेट करेंगे। अगर आप ना चाहें तो आप इसे डायरेक्ट डिश में निकाल के ऊपर से पिस्ते बादाम काट के हवाइयाँ जो होती हैं, ये देखिए ये मैंने जो पिस्ते बादाम दिखाए थे मैंने उनको काट लिया है, और अब मैं इसको इस पे डालूँगी। गरम ही उसमें निकालना होता है क्योंकि गरम में ही ये सेट हो पाता है। देखिए इसमें ये देखिए नाजरीन, ये बिल्कुल हमने एक लेवल कर लिया है। जितना मोटा हम चाहते हैं हम उसको उतना हिसाब से कर देते हैं। और फिर अब ये देखिए मैं इसमें पिस्ते बादाम डाल रही हूँ। एक ऐसी चीज़ जिसका सरफेस बिल्कुल सीधा हो हम उससे ये इसमें चबाते रहेंगे। ये देखिए पिस्ते बादाम हैं, इसके साथ ये देखिए क्या। और अब हम इसे छुरी लेके, नॉर्मल छुरी से, अब इसके हम इसके ये देखिए जितने साइज आप चाहते हैं आप उसको उतना बना लें। ये गरम में ही होगा, ये लीजिए। ये चने का दाल का हलवा तैयार है। जो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत सिंपल इजी सी रेसिपी है, बस इसमें भुनाई, वो चने की दाल के हलवे में भुनाई होती होती है, भुनाई करनी है। बाकी एज सच कोई बहुत मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं, या आपको समझने में मुश्किल हो बस मेजरमेंट करें और उसके बाद आपने, जैसे मैंने आधा किलो बताया, तो अगर आपके पास कोई ऐसा मेजरमेंट का हिसाब नहीं है तो आप कप से नाप लें, एक दो प्याली के हिसाब से आप कर लें। दो प्याली आपने चने की डाल ली, उसी प्याली से आप चीनी नाप लें, दो प्याली उसी प्याली से आप जो है घी नाप लें, उसी प्याली से आप जो है खुश दूध नाप लें, तो आपका एक अच्छा इजी मेजरमेंट बन जाएगा। तो इंशाल्लाह शाबान का महीना आ चुका है, अक्सर लोग हलवा बनाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, या आप इसमें क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। दुआओं में याद रखिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। ज़रूर इस मेरी वीडियोस को लाइक, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि ये चीज़ मेरी हौसला अफज़ाई करेगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।